लेकिन इससे पीछे एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। देखिए जल्दी से वोटों की गिनती लगातार जारी है। मऊ सदर में तीसरे राउंड के बाद भी सपा के अब्बास अंसारी पीछे चल रहे हैं। तीसरे राउंड की यहां पर गिनती हो चुकी है, लेकिन अब्बास अंसारी को लेकर जानकारी ये है प्राची कि वो अभी भी पीछे हैं। बिल्कुल, अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जनता के जो विश्वास है उस पर वो खरा शायद नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद भी लगातार अब्बास अंसारी पीछे चल रहे हैं। वहीं सीसा मऊ सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सपा के इरफान सोलंकी को 11,325 वोट अभी तक मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो भाजपा के सलिल विश्नोई को 10,236 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बात सीसा मऊ सीट की करें तो एक गढ़ है इरफान सोलंकी का, लेकिन यहां पर फिलहाल कड़ी टक्कर सलिल विश्नोई भारतीय जनता पार्टी के देते हुए नजर आ रहे हैं। रामपुर से नया अपडेट यह है कि स्वार सीट से सपा के प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम आगे हो गए हैं। चौथे राउंड की गिनती के बाद अब्दुल्ला आजम 4,265 वोट से आगे हो गए हैं, हमजा मियां से आगे हो गए हैं। तो स्वार सीट से भी और रामपुर सदर सीट से भी दोनों बाप बेटे फिलहाल आगे चल रहे हैं। जीत की खुशी उन्हें मिलेगी या नहीं तो कुछ देर बाद साफ होगा। बिल्कुल, तो देखिए कुछ तस्वीरें और आपको दिखाते हैं, हम लगातार बड़ी खबर बता रहे हैं, कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो तस्वीर है रामपुर से वो सामने आई। और अब चलिए बात करते हैं अवधेश, देखिए बुंदेलखंड की तस्वीरें देखिए, 19 की 19 सीटें यहाँ पर भाजपा प्लस 18, सपा 1, बसपा 0, कांग्रेस 0, अन्य 0। देखिए 19 में, देखिए 19 की 19 सीटें 2017 में 19 बीजेपी लेकर के गई थी, और इस बार भी वही होता हुआ दिखाई दे रहा है प्राची, 18 सीटें बीजेपी लेती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए 19 की 19 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था 2017 में, और ये भी कहा जाता है कि बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की साइकिल चल नहीं पाती है, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। हालांकि शुरुआती रुझान में कड़ी टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर नहीं है, 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई नजर आ रही है।